ये मेरा UPS है। इस UPS में प्रॉब्लम ये है कि लाइट कटने के बाद इस UPS में बैकअप नहीं देता है। लाइट कटने के बाद ये एक दो बार बीप करता है और ऑफ हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर UPS में बैटरी डेड हो जाने की वजह से होता है। तो सबसे पहले मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने UPS को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपने UPS को ओपन कर लिया है। अब मैं UPS से बैटरी का कनेक्शन निकाल लेता हूँ। अब मैं इसका बैटरी रिप्लेस करूँगा। ये मेरा दूसरा UPS बैटरी है। इस बैटरी को UPS में आप अच्छी तरह सेट कर लें और UPS के वायर का कनेक्शन अपने बैटरी में कर लें। ब्लैक वायर को ब्लैक में कनेक्ट कर ले, रेड वायर को रेड में कनेक्ट कर ले। अब मैं चेक कर लेता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं हमारा UPS ऑन हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं बिना लाइट का हमारा UPS अच्छी तरह चल रहा है। अब मैं इसे पावर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैं UPS के पावर को कनेक्ट करता हूँ UPS से हल्का आवाज़ आता है। इसका मतलब कि हमारा UPS चार्ज होना शुरू हो चुका है। तो UPS में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बैटरी की वजह से आती है। तो आप भी अपने UPS का बैटरी चेंज करके UPS को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।